हेलो फ्रेंड्स, आरिस्टिक में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं एक छोटी सी वीडियो। तो इसमें हमारा ये वाटर पंप जो कि हमारे कूलर में डलता है और ज़्यादातर ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सही होते हैं, ख़राब प्रॉपरली होते नहीं हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले तो इसमें होती सॉल्ट जमने की प्रॉब्लम। ये जो गंदगी आप देख रहे हैं ये इसके अंदर जम जाता है बाहर और अंदर की साइड, तो उससे ये जो हमारी रोटर है ये जाम हो जाती है, इससे ये ख़राब जैसा हो जाता है। तो हम इसको साफ़ कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो बीच की जो रोड है जिसकी ऊपर ये घूमती है, दूसरा ये वाला प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, अभी ये इसकी मोटाई है और इस जगह पे इसकी मोटाई बहुत ही पतली है, मतलब कि ये घिस चुकी है। और जब इसको चलाते हैं तो देखिए, इसने इसकी मोटर को, जो बीच का रोटर है उसकी प्लास्टिक को भी कट कर दिया है ये इस एक्सिस पे। तो ये इस वजह से जाम हो जाता है और यहाँ पे ये घूमना बंद कर देता है। जब ये घूमना बंद कर देगा तो आप ये करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे पूरे वाटर पंप को, लेकिन हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो ये वाली जो एक्सिस है ये कहीं मिलेगी नहीं आपको, तो इसे आपको बनाना पड़ेगा। मेरे पास दो पंप थे तो मैंने दोनों को यहाँ से बनाया है, बना करके और उसको रिपेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें एसिड डाल के, जो टॉयलेट क्लीनर आता है उसको डाल करके इसका जो सॉल्ट था वो क्लीन किया और क्लीन करके इसको लगा दिया। ये हमारा हैंगर है जिसपे हमारे कपड़े टांगते हैं अलमीरा के अंदर। तो इसकी जो मोटाई है वो लगभग लगभग इसके बराबर है, हल्का सा डिफरेंस आएगा, मतलब ये थोड़ा मोटा है। तो आपको ऐसा देखना है जहाँ पर आपको ये थोड़ा पतला मिले। तो मैंने इसका एक पीस यहाँ से कट कर लिया था और उस पीस को मैंने कट करके उसमें से एक पीस हमारे लिए बनाया है। तो देखिए, ये मैंने इस हैंगर से कट करके और आस पास के जो ये कॉर्नर्स हैं इनको घिस करके बनाया है। और देखिए, इसकी और इसकी जो लंबाई है वो बराबर है और मोटाई में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन पॉइंट में फ़र्क है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं और ये आपकी मोटर को परफेक्ट आ जाएगा। तो आपको बस इतना सा चेक करना है कि ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी है लेकिन आपकी जो रोटर है रोटर के अंदर फिक्स आना चाहिए और इसमें आपका रोटर प्रॉपरली मूव करना चाहिए। तो देखिए, ये प्रॉपरली मूव कर रहा है। तो मैं एक पंप तो यहाँ पर सही कर चुका हूँ और कूलर में वापस लगा चुका हूँ। दूसरा पंप है उसके लिए मैंने ये बनाया है, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम था, इसमें एक्सिस अभी एक्सिस घिसा है और दूसरे वाले में तो वो टूटकर अलग हो चुका था। ये देखिए, ये टूटकर इसमें से अलग हो चुका था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको बनाया है और सोचा कि आपको भी बता दूँ ताकि आप भी सिर्फ मुश्किल से 5 रुपये या 10 रुपये के हैंगर में आपके कई सारी मोटर्स को रिपेयर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि 10 से ज़्यादा ऐसी पीस बन सकते हैं और उससे आप अपनी मोटर, कई सारी मोटर को चला सकते हैं। तो हमने पहले तो इसका सॉल्ट वो क्लीन कर लिया था और अब जो है मैं इसकी रोड को लगा रहा हूँ। तो ये इसकी बीच वाली एक्सिस पर हम इसकी रोड को फिट कर देंगे जैसे कि ये लगी हुई थी और ये रोटर को हम वापस लगा देंगे। अब देखिए, ये परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है और ये यहाँ पे घूम भी जाएगा। तो मैं एक बार इसको प्लग में लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हम इसको प्लग में लगाते हैं, देखिए ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जबकि इस रोड के साथ ये मोटर बार बार जाम हो रही थी तो बार बार मुझे इसको खोल के सही करना पड़ रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको वापस फिक्स कर दूंगा और हमारी कूलर में इसको लगा दूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, अब हम इसको वापस से लगाते हैं। तो देखिए, हमारी मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है जो कि पहले जाम हो चुकी थी। तो कई सारी मोटर्स हैं जिसमें सिर्फ इतना सा प्रॉब्लम होता है कि एक तो सॉल्ट जमता है, दूसरा ये वाली जो एक्सिस है ये घिस जाती है जिसकी वजह से उसका रोटर जाम हो जाता है और चल नहीं पाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए।